अल्हम्दुलिल्लाह काम तो बहुत अच्छा है। मैं जैसा सोच के आया था उससे करीब करीब मुझे 20-25% एक्स्ट्रा मिला है, कम नहीं मिला है। ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। भाई काम बहुत अच्छे से करते हैं, बहुत तसल्ली से करते हैं और बहुत बढ़िया काम करते हैं। एक तो ये फ़ैन बेल्ट जो है बहुत ज़्यादा नॉइज़ कर रही है, जबकि ये 3 बार चेंज करा चुके हैं, उसके बाद में भी आवाज़ है। चलिए इसको भी हम ठीक करेंगे। दोस्तों ये है महिंद्रा XUV 500 W10 मॉडल है, और ये XUV दोस्तों हमारे पास में जामनगर गुजरात से आई है। गुजरात से हमारा तहसील आंवला जिला बरेली, यानी करीब 1650 किलोमीटर दूर से भाई हमारे पास लेकर आए हैं हमारी यूट्यूब वीडियो देखकर अपनी गाड़ी का काम कराने के लिए। तो इसमें हम काफ़ी सारे काम करने वाले हैं, तो जैसे कि इसमें AC का भी काम होगा दोस्तों, और इसमें सस्पेंशन का भी काम है, और इसमें काफ़ी सारी आवाज़ें हैं, काफ़ी सारी नॉइज़ है, वो बंद करेंगे। तो इसका AC कंडेंसर हमने खुलवा दिया दोस्तों, और इसका रेडिएटर फ़ैन असेंबली और पूरा रेडिएटर ही कंप्लीट निकाल लिया हमने, और रेडिएटर को भी साफ़ करवाएंगे क्योंकि रेडिएटर भी काफ़ी गंदा है। तो दोस्तों रेडिएटर जो है वो खोल कर हमने पूरा बाहर निकाल लिया है, और रेडिएटर के जो फिन्स हैं, जो जाली है, बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी है। तो क्योंकि ये अंदर की साइड में लगा होता है तो साफ़ होना इतना आसान नहीं है, इसको खोल कर ही साफ़ करना पड़ता है। बाकी अंदर से हमने चेक किया तो अंदर से इतना ज़्यादा गंदा नहीं है। बाकी इसको बाहर से इसकी धुलाई करवाएंगे, और इसका अंदर से हम प्रेशर लगा के जितनी भी लाइन है वो क्लीन कर देंगे होती है, इसलिए हमने इसको अच्छे तरीके से धोकर साफ़ करना है। तो आप देख सकते हैं इसको अभी हम बहुत अच्छे तरीके से साफ़ कर देंगे, इसके अंदर जितनी भी गंदगी, जितनी भी मिट्टी निकल रही है वो इस प्रेशर से, क्योंकि इसका प्रेशर का हमने फुहारा बना लिया। ध्यान रखें कभी अगर आप रेडिएटर साफ़ करा रहे हैं तो रेडिएटर का ये प्रेशर का जो है आप डायरेक्ट धार ना बनाएं, बल्कि इसका फुहारा बना लें, ताकि इसके स्प्रे से ठीक से गंदगी भी साफ़ हो जाए, और इसमें जो लगे हुए फिन्स हैं रेडिएटर में, जाली जो है वो ना मुड़े, वो ख़राब ना हो। तो इस तरह से आपको रेडिएटर साफ़ करना है, और रेडिएटर जब अच्छी तरीके से साफ़ हो जाएगा दोस्तों, तो सामने से जब हम गाड़ी चलाते हैं तो सामने से लगने वाली जो हवा होती है वो इसमें इसके फिन्स में से बिल्कुल साफ़ होकर पास होगी, आराम से पास होगी, तो गाड़ी जो है एकदम ठंडी चलेगी, बढ़िया चलेगी, मतलब बोले तो गाड़ी के अंदर एक नई जान आ जाएगी। तो रेडिएटर हम अच्छी तरीके से साफ़ करवाते हैं अभी, और रेडिएटर साफ़ होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर कभी भी गाड़ी आपकी कार वॉशिंग के लिए जाती है तो उसको भी अगर आप बोल देंगे कि भाई इसमें थोड़ा फुहारा बना के और हमारा रेडिएटर क्लीन कर दो, तो ये गंदगी जितनी मिट्टी जो दिख रही है निकलती हुई, ये निकलना बंद हो जाएगी, बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। तो रेडिएटर पूरी तरह से आपको दिख रहा है, जहाँ जहाँ हम प्रेशर की धार चला रहे हैं तो वहाँ वहाँ से मिट्टी निकलती हुई आप लोगों को दिख रही होगी, और रेडिएटर साफ़ होता हुआ भी नज़र आ रहा होगा। और अब इसके बाद में करवाएंगे दोस्तों हम AC का भी काम करवाएंगे, और इसका सस्पेंशन का भी। और दोस्तों ये इसका AC का डिस्चार्ज पाइप है, तो AC कंप्रेसर पे लगता है, तो AC कंप्रेसर के पाइपलाइन जितनी भी है, जो AC की फुल पाइपलाइन है, पूरी साफ़ करेंगे इसी तरह से जैसा कि इस वीडियो में हम आपको दिखा रहे हैं। एक पाइप हम आपको साफ़ करके दिखा रहे हैं अभी। और दोस्तों इसी हिसाब से इसका AC कंडेंसर जो है, तो AC कंडेंसर भी हमने खुलवा दिया, और इसको भी साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। तो AC कंडेंसर क्योंकि दोस्तों नया लगा हुआ है, अभी थोड़ा टाइम पहले नया लगवाया था, तो ये कंडेंसर तो बिल्कुल सही कंडीशन का है, लेकिन इसके अंदर जो इसके जो फिन्स हैं, जो जाली है, उसके अंदर काफ़ी मिट्टी भरी हुई है, तो उसको भी हम अच्छे तरीके से वैसे ही साफ़ करेंगे जैसा कि अभी हमने थोड़ा देर पहले रेडिएटर को साफ़ किया था। तो आपने जो है इस तरह से साफ़ करना है, इसको जो आप प्रेशर है आपका, प्रेशर का जो है आपको फुहारा बना लेना है, और उसके बाद में इसको जो है आपको धीरे धीरे साफ करना है। आपको मिट्टी निकलते हुए दिख रही होगी, जितने बीच में प्रेशर की धार चल रही है, फुहारा चल रहा है, उतने बीच की मिट्टी निकल रही है, और बाकी आपको साफ़ होता हुआ नज़र आ रहा होगा, ध्यान से देखिए आप। तो इसके अंदर की गंदगी जब बिल्कुल अच्छे तरीके से साफ़ हो जाएगी, मिट्टी सब निकल जाएगी, धूल मिट्टी जितने कीड़े मकोड़े जो अंदर फंस जाते हैं जाली में। तो दोस्तों ये इसका पुराना वाला AC कंप्रेसर है जो गाड़ी में से हमने अभी खुलवाया है। तो जब भी कभी गाड़ी 7-8 साल से ज़्यादा पुरानी जो भी गाड़ी हो जाती है, उसका कंप्रेसर लगभग 50% से ज़्यादा कमज़ोर पड़ चुका होता है, उसमें वो कूलिंग नहीं होती है। तो अगर बहुत बढ़िया और बहुत अच्छी कूलिंग चाहिए होती है, तो करीब 7-8 साल अगर आपकी गाड़ी चल गई तो कंप्रेसर को ज़रूर चेंज करा दें, इसके अंदर की गंदगी सब निकाल दें। तो दोस्तों ये हमने नया AC कंप्रेसर मंगा लिया है, और ये हैनन कंपनी का ओरिजिनल कंप्रेसर है दोस्तों। तो हैनन जो है वो भी एक बहुत बड़ा ब्रांड है, ओरिजिनल है, और हैनन का कंप्रेसर जो है वो गाड़ी के साथ से भी आता है लग के, और इसमें हम महिंद्रा का लगाने वाले थे, लेकिन हैनन का कम प्राइस में है और अच्छा काम करता है। आप चाहें तो महिंद्रा का भी लगवा सकते हैं, महिंद्रा का भी ओरिजिनल आता है और हैनन कंपनी का भी ओरिजिनल है। तो हम इसमें लगा रहे हैं वो है हैनन कंपनी का,
तो चलिए अभी इसकी फिटिंग करवाते हैं, लगाते हैं इसको। तो दोस्तों इस एसी कंप्रेसर को, नए वाले एसी कंप्रेसर को हमने गाड़ी में लगवा दिया है, आप देख सकते हैं सामने की तरफ। और इसका गियर बॉक्स जो है वो दोस्तों वो भी हमने खुलवाया, क्योंकि इसका फ्लाई व्हील और इसका क्लच प्लेट वो भी कमज़ोर है। तो ये जो हमने अभी नया कंप्रेसर मंगाया था एसी का, तो वो हमने यहाँ पर फिटिंग करवा दिया है और बाकी एसी का काम अभी चालू है। और दोस्तों इसका एसी कंप्रेसर फिट करने के बाद में दोस्तों इसका गियर बॉक्स जो हमने निकाल दिया है, तो चलिए दिखाते हैं इसका गियर बॉक्स हमने क्यों खोला है, किस रीजन से खोला है वो भी दिखाते हैं आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों हमने पूरा गियर बॉक्स गाड़ी का निकाल दिया है और इसकी क्लच प्लेट यहाँ पर रखी हुई है निकल के, और उसका गियर बॉक्स भी साइड में रखा हुआ है। तो क्लच प्लेट जो है दोस्तों वो भी दिखाते हैं आपको। बाकी इसके गियर बॉक्स में दोस्तों एक दिक्कत और भी निकली है, जबकि ये गाड़ी का काम कंपनी के अंदर हुआ है, एजेंसी के अंदर हुआ है। तो ये जो बॉक्स का माउंटिंग, गियर बॉक्स के माउंटिंग के जो बोल्ट होते हैं, तो बोल्टों की जो थ्रेड हैं, जो अंदर की चूड़ी हैं, वो चारों की चारों ख़राब कर दी हैं। एक इस वाले की भी ख़राब है, बाकी मैं और भी दिखाता हूँ आपको। तो ये थ्रेड जो हैं, जो चूड़ियाँ हैं, गलत बोल्ट चढ़ाने की वजह से भी हो जाता है। अगर बोल्ट आड़ा चढ़ा दें तो और उसको खींचते चले जाएँ तो ये अंदर की थ्रेड जो है वो ख़राब हो जाती हैं। तो एक एक करके सारी की सारी थ्रेड, सभी चूड़ियाँ अंदर की ख़राब कर दी गई हैं, और ये कंपनी के अंदर का काम है। तो इस वीडियो में बताने का मतलब यही दोस्तों, अगर आप एजेंसी में भी अगर लोग देख रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें, फिटिंग अच्छी करके दें। मैं किसी के काम में कोई कमी नहीं निकाल रहा हूँ, बल्कि मेरा कहने का मकसद ये है, आप जहाँ पर भी काम करते हो अच्छा काम करके दें, क्योंकि कस्टमर का बहुत सारा पैसा लगता है, किसी का कोई नुकसान ना हो। बहुत ध्यान से और बहुत तसल्ली से काम किया करें। तो ये इसकी क्लच प्लेट पुरानी वाली है दोस्तों, पुरानी वाली क्लच प्लेट जो है इसमें क्या हुआ है, ये बहुत ज़्यादा घिसी तो नहीं है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये आ रही थी कि गाड़ी का पिकअप जो है वो थोड़ा सा कम हो गया था, और गाड़ी का माइलेज भी थोड़ा कम हो गया था। और गाड़ी का उठान कैसा था जब हम गाड़ी उठा रहे थे, तो गाड़ी थोड़ा भारी उठ रही थी, ऐसा लग ही नहीं था कि गाड़ी में कोई फ्रीपन है। तो क्लच प्लेट हमने चेक की, क्लच प्लेट ख़राब है दोस्तों। और इस क्लच प्लेट को और इस प्रेशर प्लेट को, इस साइड को हम पूरा चेंज करेंगे। तो हमने ये नया महिंद्रा का ओरिजिनल मंगवा लिया अभी पूरा साइड। और दोस्तों अभी दिखाते हैं इसका इंजन फ्लाई व्हील जो है वो भी ख़राब हो चुका है, चलिए आपको दिखाते हैं अभी। तो ज़रा ध्यान से इसकी आवाज़ सुनिएगा। तो जैसा कि आप आवाज़ सुन रहे हैं, इस तरह की प्ले होती है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा प्ले है। और दोस्तों ये हमने इसका नया वाला क्लच सेट हमने मंगवा लिया महिंद्रा का ओरिजिनल। तो अभी हमने इसे डिब्बे से बाहर निकाला है और आपको दिखाते हैं। और इसके शॉकर वगैरह, क्योंकि इसमें सस्पेंशन का भी काम हो रहा है, ये इसका पुराना शॉकर है, और इसके नए वाले शॉकर भी हमने मंगा लिए हैं, शॉकर किट वगैरह वो सभी हम चेंज करा रहे हैं, क्योंकि इसमें सस्पेंशन का काम और इसका क्लच का काम। तो क्लच सेट जो है दोस्तों वो हमने महिंद्रा का ओरिजिनल मंगाया है, आपको यहाँ पर महिंद्रा का पार्ट नंबर भी दिखा देते हैं, यहाँ पर साफ साफ लिखा होता है महिंद्रा का पार्ट नंबर। और बनाती इसे PHC कंपनी है, PHC वैल्यू। तो ये ओरिजिनल सेट है दोस्तों, और ये हमने ओरिजिनल मंगा लिया भी, और लगभग 10,400 रुपये MRP होती है दोस्तों इस पर। तो ये महिंद्रा का पूरा सेट है और इसे हम लगवाएंगे अभी। और हमने इसका दोस्तों नया वाला इंजन फ्लाई व्हील भी मंगाया, वो भी दिखाते हैं। पहले हम इसका आपको क्लच प्लेट का भी पार्ट नंबर दिखा रहे हैं, और इसका प्रेशर प्लेट का हमने दिखा दिया आपको। और दोस्तों इस बॉक्स के अंदर जो है महिंद्रा का ओरिजिनल फ्लाई व्हील भी, इंजन फ्लाई व्हील भी हमने मंगवा लिया है। तो नया वाला फ्लाई व्हील रखा है बाजू में, और इसका पुराना वाला भी रखा हुआ है। तो इसका जो पुराना वाला इंजन फ्लाई व्हील है दोस्तों, इसमें काफ़ी प्ले बन गई है, क्योंकि ये डुअल मास फ्लाई व्हील होता है, इसके अंदर जो है स्प्रिंग होते हैं दोनों साइड में, जो जंपिंग जो होती है वो स्प्रिंग की होती है। तो स्प्रिंग जो है इसके क्या होता है, कई बार कमज़ोर हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो दोस्तों गियर शिफ्टिंग के दौरान जब हम क्लच प्रेस करके और जैसे ही क्लच को छोड़ते हैं, तो अलग से झटका महसूस होता है क्लच में, और गाड़ी के अंदर भी महसूस होता है। तो वो भी एक रीज़न ये होता है दोस्तों, क्लच, क्योंकि क्लच फ्लाई व्हील जो है हमारा, फ्लाई व्हील के स्प्रिंग ख़राब हो जाते हैं तो भी पता होता है। और जैसे कि यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं, इसकी प्ले दिखा रहे हैं, हमने यहाँ पर मार्कर पेन से मार्कर लगा लिया है, मार्कर निशान लगा लिया है, यहाँ पर दिखाते हैं। इसमें नए वाले फ्लाई व्हील में सिर्फ 2 से 3 दांते की प्ले होती है, और पुराना वाला जो फ्लाई व्हील है, जबकि 5 दांते, जो 4 दांते क्रॉस कर जाता है, यानी 5वां दांता तक पहुँचता है झटका लगाने पर, इसको घुमाने पर, तो यानी हमारा जो फ्लाई व्हील है वो ख़राब है। चलिए दिखाते हैं आपको, ध्यान से देखिए उस निशान पर जो हमने लगाया था अभी। अब यहाँ से उस निशान से लेकर और इस निशान तक आप इसके दांते गिन सकते हैं, तो टोटल 5 दांते आ रहे हैं। 5 दांते आ गए, तो यानी इसमें प्ले बहुत ज़्यादा है, और प्ले ज़्यादा होने की वजह से इसमें दिक्कत आ रही थी दोस्तों। इसमें गियर बॉक्स में भी एक अलग से आवाज़ आ रही थी, और क्लच जब प्रेस करके जब क्लच को छोड़ रहे थे तो भी एक झटका आता था जैसे ही गियर चेंज करते थे। तो ये दोस्तों जो इंजन फ्लाई व्हील है, इसका जो अंदर के स्प्रिंग ख़राब हो जाते हैं तब भी इस तरह की दिक्कत आती है, इसलिए हम इसे इंजन फ्लाई व्हील को जो है चेंज करना है।
चलिए दिखाते हैं नए वाले की भी प्ले भी दिखाते हैं आपको, क्योंकि नया वाला भी हमारे पास में ही है और इस पर भी हमने मार्कर पेन से निशान लगा लिया है। बाकी इसकी प्ले पहले दिखाते हैं बिना निशान के, वो आपको दिख रही होगी। और जहाँ पर हमने निशान लगाया है वहाँ से लेकर और आपको दिखाते हैं इसकी दांते की कि नए फ्लाईव्हील में कितने दांतों की प्ले होती है। चलिए आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमने मार्कर पेन से एक निशान लगा लिया है यहाँ पर इंजन फ्लाईव्हील पे, और इसके जो फ्लाईव्हील रिंग जो है इसके दांते पर हमने निशान लगा लिया है कि ठीक सेंटर में लेकर। और अभी हम इसको जब जंपिंग करेंगे, इसको जब झटका देकर इसको घुमाएंगे, तो इसमें आप दांते नोटिस करना कि कितने दांते पहले इसमें बन रही है। चलिए दिखाते हैं, ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा दोस्तों। जैसे ही हम इसमें क्लच को फ्लाईव्हील को घुमा रहे हैं तो इसमें सिर्फ दो दांते की प्ले, यानी जहां निशान लगा है वहां से और दूसरे दांते तक प्ले है इसमें। ये यहां पर निशान है और यहां से और वापस जब झटका देके इसको घुमा रहे हैं हम, तो सिर्फ दो दांते तक आ रहा है बस, इससे आगे नहीं बढ़ रहा है। देखो एक इधर से दोबारा लगाओ इसको, देखो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, इस निशान से जैसे ही हम इधर को झटका देके तो फ्लाईव्हील को रोक रहे हैं तो फ्लाईव्हील रुक जा रहा है यहाँ पर, और सिर्फ दो दांते की प्ले है। तो नए वाले इंजन फ्लाईव्हील में सिर्फ दो से तीन दांते की, दो दांते की प्ले होती है, जो कि आपको साफ साफ दिख रही है दो दांते की, यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो ये क्योंकि बिल्कुल सही है और नया फ्लाईव्हील है, और अब ये जो गेयरबॉक्स के अंदर जो क्लच दबा कर और जो गियर चेंज कर रहे थे हम, जो झटका आ रहा था वो झटका भी ख़त्म हो जाएगा और जो आवाज़ थी वो आवाज़ भी ख़त्म हो जाएगी। तो अभी हमने नया वाला इंजन फ्लाईव्हील दोस्तों इंजन में लगवा दिया है और इसको अच्छे तरीके से फिटिंग करवा दिया, इसको अच्छे तरीके से टाइट करवा दिया है। तो नया वाला इंजन फ्लाईव्हील लगने के बाद में भी दोस्तों गाड़ी का जो बोले तो जो झटका होता है जो क्लच छोड़ने पे, वो झटका भी ख़त्म हो जाता है और बहुत बढ़िया चलती गाड़ी फिर। और अभी दोस्तों इसका क्लच सेट पूरा लगाने के बाद में दोस्तों इसका गेयरबॉक्स जो है वो भी हमने लगवा दिया है और इसका फिटिंग का काम अभी चालू है। तो बाकी की जितनी भी फिटिंग जो रह गई है वो फिटिंग अभी हम करवा रहे हैं। तो गेयरबॉक्स जो है वो हमने लगा दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पर। इंजन की जो लीकेज थी दोस्तों, इंजन की लीकेज भी हमने बंद की है, तो इसका ऑयल सेपरेटर जो है, ऑयल सेपरेटर खोल के इसकी भी लीकेज बंद की है और इंटेक मैनिफोल्ड भी साफ़ किया है, EGR साफ़ किया है, पूरा सिस्टम बिल्कुल बहुत बढ़िया करके क्लीन कर दिया है। तो दोस्तों लगभग सभी फिटिंग हो चुकी है पूरी इसकी XUV के, जो अभी हमने क्लच का काम करवाया था और इसका सस्पेंशन का टोटल काम जितने भी करवाए सभी फिटिंग हो गई है। और ये गाड़ी जो आई है दोस्तों, ये XUV ये हमारे पास में नेपाल से आई है, जो रेड कलर की नंबर प्लेट है। ये नेपाल हमारा पड़ोसी मुल्क है, पड़ोसी देश है हमारा, और हमारे यहाँ से पास में है, करीब 800 किलोमीटर दूर से हमारे पास में आई है। हमारी YouTube वीडियो देखकर राजू भाई लेकर आए हैं हमारे पास में इस गाड़ी का इंजन बनवाने के लिए। और ये ब्लैक कलर की XUV है, तो गुजरात से, जिसका हमने वीडियो दिखाई रहे हैं अभी, ये गुजरात से आई है 1650 किलोमीटर दूर से हमारी YouTube वीडियो देखकर। और उसके बराबर में खड़ी है दोस्तों स्कॉर्पियो S10, इस गाड़ी का हमने इंजन बनाया और ये MH नंबर महाराष्ट्र नंबर है, गाड़ी महाराष्ट्र की है लेकिन ये रहने वाले हमारे यहाँ के लोकल के ही हैं। तो इस गाड़ी का हमने इंजन बनाया दोस्तों पूरा, और ये सभी गाड़ियाँ बनकर अभी लगभग रेडी हो गई हैं, दोनों गाड़ियाँ बनकर रेडी हो गई हैं। नेपाल वाली का भी काम चलेगा, इसका अगला वीडियो मैं आपको 4 से 5 दिन के बाद में अपलोड करूँगा। तो नेपाल वाली गाड़ी में दोस्तों इंजन का पूरा काम होना है और भी बहुत सारे काम होना है, तो हमारी यूट्यूब वीडियो देखकर लोग अपनी गाड़ी बनवाने के लिए हमारे पास लेकर आते हैं। तो अभी हमारे साथ में हैं राशिद रजा साहब, और ये दोस्तों हमारे पास में आए हैं गुजरात जामनगर से अपनी XUV 500 का काम कराने के लिए। और दोस्तों ये गाड़ी में हमने काफ़ी सारे काम करे हैं, जैसे कि इसका AC का भी हमने काम किया है और इसमें सस्पेंशन का भी काम किया था, और दोस्तों इसमें काफ़ी और भी सारे हमने काम किए थे। तो काम तो सारे हमने कर दिए हैं दोस्तों, और काम करने के बाद में हमने गाड़ी का टेस्ट ड्राइव भी लिया, गाड़ी चला के भी देखी है, तो गाड़ी का काम लगभग सभी कुछ ठीक हो चुका है। तो हम चाहेंगे कि राशिद साहब ज़रा कुछ बताएं, अगर आप हमारे काम से कितना सेटिस्फाई है, कितना आपको कैसा लगा काम, तो आप बताएं राशिद भाई। अल्हम्दुलिल्लाह काम तो बहुत अच्छा है, मैं जैसा सोच के आया था उससे करीब करीब मुझे 20-25% एक्स्ट्रा मिला है, कम नहीं मिला है, ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। भाई काम बहुत अच्छे से करते हैं, बहुत तसल्ली से करते हैं और बहुत बढ़िया काम करते हैं। मैं इससे पहले मेरी गाड़ी सर्विस सेंटर में ही हुई, मैं अभी तक गाड़ी में 5 लाख रुपए खर्च कर चुका था, मेरी गाड़ी 100% सेटिस्फाइड नहीं दे रही थी। जब मैं जमाल भाई का वीडियो देखा, इनसे बात हुई, उसके बाद मैं आया यहाँ पे, उसके बाद जो गाड़ियों का काम हुआ है उससे मैं 100% सेटिस्फाइड हूँ।
और अब मेरे ग्रुप में जितनी भी गाड़ियां हैं वो डेफिनेटली इनके पास ही आएंगी, क्योंकि इनका काम बहुत अच्छा है और बहुत ईमानदारी के साथ है। तो राशिद भाई, आप गुजरात से जहाँ से आए हैं वो वहाँ से, और हमारा तहसील आंवला बरेली कितना पड़ा, कितना किलोमीटर? भाई ये जामनगर से आंवला तहसील 1650 किलोमीटर एक तरफ पड़ा मुझे। जी, मतलब एक तरफ से आप 1650 किलोमीटर गाड़ी लेकर आए हैं। बिल्कुल। तो दोस्तों, आपने सुना राशिद भाई के मुंह से, क्योंकि ये हमारी YouTube वीडियो काफ़ी टाइम से देख रहे थे और अपनी गाड़ी का काम सर्विस सेंटर में भी कराए हैं तो काम से सेटिस्फाई नहीं थे, और अभी हमारे पास में जो भी काम कराया राशिद भाई ने वो सब काम एकदम बढ़िया हो गया है, और राशिद भाई पूरी तरह से खुश हैं काम से। 100% मैं बहुत खुश हूँ, और मैं सारे व्यूवर्स को यही कहना चाहूँ, जो भी अपनी गाड़ियों से परेशान है एक ना एक बार यहाँ ज़रूर आए, और मैं 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आप यहाँ से सेटिस्फाइड होके ही जाएंगे। जी जी, बहुत शुक्रिया राशिद साहब। तो दोस्तों, जो लोग भी हमारी ये वीडियो देख रहे हैं और हमारे पास में अगर आना चाहते हैं अपनी गाड़ी लेकर, अपनी गाड़ी को बनवाना चाहते हैं, तो आप आ सकते हैं हमारे पास में। मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर जो है व्हाट्सएप नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा, तो वहाँ से आप मेरे को कॉल करके टाइम लेके आ सकते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इस वीडियो को दोस्तों आगे भी शेयर करें ताकि छोटी सी काम वाली जानकारी आगे भी पहुंच सके और लोगों की हेल्प हो सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। बहुत शुक्रिया। जी जी जी, ठीक है राशिद भाई, आराम से जाओ, अल्लाह हाफिज़।